जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और जीके की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, इसके अलावा जो भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनके दृष्टिकोण से जीके को डिस्कस कर रहे थे, और उसी क्रम में आज ही हमारा 8वां वीडियो है जिसमें हम लोग भारत की प्रमुख आर्द्र भूमियों के बारे में बात करेंगे। तो जब भी मैं डेली करंट अफेयर में आपको आर्द्र भूमि या रामसर स्थल के बारे में बताता हूँ तो कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर ये रामसर स्थल क्या है या आर्द्र भूमि क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग रामसर स्थल क्या है, रामसर समझौता क्या है, इसके अलावा आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, भारत में कौन कौन सी प्रमुख आर्द्र भूमियाँ हैं, उन सभी के बारे में पूरी तरीके से मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपके आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी या फिर जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं इनके अलावा वह सभी एग्ज़ाम जहां पर जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी सीरीज है वह मानचित्र के ऊपर आधारित है। इससे पहले हम लोगों ने अन्य वीडियो के अंतर्गत ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, भारत के टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, पक्षी विहार, क्रिकेट का इतिहास, ओलंपिक का इतिहास और भारत के एलिफेंट रिजर्व। तो इन सभी की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और इन सभी वीडियो की खास बात यह है कि वीडियो के लास्ट में आपको इनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में उन प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ये होने वाली है, तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो अगर हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में बात करें आर्द्र भूमि के बारे में, तो हमारे स्थल का वह हिस्सा यानी कि जमीन का वह हिस्सा जो हमेशा जल से संतृप्त हो या जल में डूबा रहे। अब जल से संतृप्त होने का मतलब क्या है कि हमारा वह हिस्सा जो कि जल से पूरी तरीके से भीगा हो या उसमें आपको नमी की पर्याप्त मात्रा मिले, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स मुख्य रूप से हमारे आप कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे वह हिस्से जो इस प्रकार से जल में डूबे रहते हैं और एक हमारे वह हिस्से होते हैं जो कि जल से संतृप्त होते हैं यानी कि वह पूरी तरीके से वाटर से सैचुरेटेड कंडीशन में होते हैं। तो ऐसे स्थानों को हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। अब आर्द्र भूमि के अंतर्गत हमारे कई सारे स्थल आ जाते हैं, जैसे कि दलदल हो गया जिसे हम लोग स्वैम्प्स के नाम से जानते हैं, दलदली भूमि हो गई जिसे हम लोग मार्शेस के नाम से जानते हैं, हमारी झीलें भी एक प्रकार के वेटलैंड्स होती हैं, लैगून हो गया, तालाब हो गया, डेल्टा हो गया, प्रवाल भित्तियाँ हो गई, उथले हमारे समुद्र हो गए, बाढ़ के मैदान हो गए। तो इस प्रकार की जो भी भूमियाँ होती हैं उन्हें हम लोग वेटलैंड्स की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि आर्द्र भूमियों की श्रेणी में उन्हें रखते हैं। अब वेटलैंड के बारे में अगर हम लोग आगे बात करें तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वेटलैंड्स की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे एक बहुत ही समृद्ध स्थल होते हैं, यानी कि जो भी हमारे वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेंगी, चाहे वह हमारे जीव की हों या फिर पौधों की हों। तो इन सभी के एक बहुत बड़ी मात्रा में स्पीसीज आपको वेटलैंड्स में देखने को मिलती हैं। जैसे कि वेटलैंड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में आगे बात करें तो जो हमारी आर्द्र भूमि होती हैं लोगों के लिए, मछलियों के लिए या वन्य जीवों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे कि पानी की जो गुणवत्ता है उनकी ये रक्षा करती हैं, उनमें सुधार भी करती हैं, मछली और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करती हैं, इसके अलावा जो हमारे बाढ़ के पानी होते हैं उनका ये भंडारण भी करती हैं, उनको एकत्रित करती हैं, शुष्क अवधि के दौरान जल की सतह पर प्रवाह को बनाए रखने में भी ये मदद करती हैं, और वेटलैंड जो हमारे होते हैं इनके कारण जो हमारे मिट्टी का क्षरण होता है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। तो इसीलिए वेटलैंड्स जो हमारी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उनका एक अलग अपना महत्व होता है इन सभी के कारण। अब हम लोग बात करेंगे रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन के बारे में। अब दुनिया भर में जो भी वेटलैंड्स हैं मानव के क्रियाकलापों के कारण या फिर जो भी औद्योगिक गतिविधियां हो रही हैं उनके कारण इनका नुकसान हो रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। इसीलिए 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर,
तो रामसर में विश्व भर की जो आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए रामसर समझौता हुआ और इस समझौते को हम लोग आर्द्र भूमियों पर रामसर समझौते के नाम से जानते हैं। वैसे इसका ऑफिशियल नाम है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट, तो ये इसका ऑफिशियल नाम है। अब इसके बारे में बात करें तो 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था, यानी कि साइन किया गया था और इसे लागू किया गया 21 दिसंबर 1975 को, और 2 फरवरी को यह हस्ताक्षरित हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को 2020 में देख रहे हैं तो 2020 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है वह आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो ये हमने बात की रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि 2 फरवरी 1971 को ये साइन हुआ था। रामसर जो शहर है ये आपको ईरान में मिलेगा और रामसर कन्वेंशन यह विश्व भर की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में जो शहरीकरण हो रहा है या फिर औद्योगिकरण हो रहा है इससे हमारी आर्द्र भूमियों का संकुचन हो रहा है, और इसी प्रकार से रामसर समझौते के अंतर्गत अब दुनिया भर में जो भी महत्वपूर्ण वेटलैंड हैं उनको बचाने के लिए उन्हें इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है, जिससे उनके संरक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसमें तेजी लाई जा सके। भारत की बात करते हैं तो हमारे देश में वर्तमान में कुल मिलाकर के 37 वेटलैंड हैं। कितने? 37 वेटलैंड हैं। इससे पहले यानी कि 2019 तक हमारे देश में आर्द्र भूमियों की संख्या थी 27। अब 2020 में इसमें 10 नए वेटलैंड्स जोड़े गए हैं और इन 10 के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया था कि ये जो 10 हैं इनमें से 6 आपके नए आए हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। 3 आपका आया है पंजाब में और 1 हमारा आया है महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आगे मैप के माध्यम से जो भी हमारे 37 वेटलैंड्स हैं उनकी स्थिति को देखेंगे और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि ये कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की। अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 नई आर्द्र भूमियाँ जोड़ी गई हैं, इससे पहले यहाँ पर सिर्फ थी 1। तो अब उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के हमारे 7 वेटलैंड्स हो चुके हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। एक तो हमारा है सरसई नवर झील। कौन सा? सरसई नवर झील, ये भी आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी जो हमारी है वह भी एक आर्द्र भूमि है। फिर हम लोग बात करते हैं समन बर्ड सेंचुरी की, यानी कि जो समन पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में यह भी एक वेटलैंड है। उसके अलावा बात करते हैं सैंडी पक्षी विहार की, तो यह भी एक वेटलैंड है। उसके अलावा नवाबगंज पक्षी विहार की बात करते हैं तो यह भी एक वेटलैंड है। इसी के पास आपको मिल जाएगा समसपुर पक्षी विहार, यह भी हमारा एक वेटलैंड है। और इसी के बाद में हमारे पड़ोस में गोंडा जिला है और गोंडा जिला में आपको मिलेगा पार्वती अर्गा पक्षी विहार। तो ये सारे हमारे वेटलैंड उत्तर प्रदेश राज्य में आपको मिलेंगे। अब वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो देश भर में आपको कई सारे वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जब रामसर समझौते के अंतर्गत किसी भी वेटलैंड्स को घोषित किया जाता है या फिर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत उसे शामिल किया जाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। उसके कंजर्वेशन के लिए सरकार के द्वारा उपयोगी कदम भी उठाए जाते हैं और यह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हो जाता है, यानी कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब किसी को पता चलता है कि यह साइट एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की साइट हो चुकी है तो लोग वहाँ पर विजिट करते हैं, जिससे आसानी के साथ उसे वह देख भी सकें। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी, समन पक्षी विहार, सरसई नवर झील, समसपुर पक्षी विहार, सैंडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार और पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये सारे वेटलैंड्स हैं या फिर रामसर स्थल हैं। अब हम लोग बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब की अगर बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 यहाँ पर पहले से थे और 3 नए यहाँ पर वेटलैंड्स घोषित किए गए हैं। तो आइए उन तीनों को देखते हैं। सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, जो कि एक वेटलैंड है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा ब्यास
कंजर्वेशन रिजर्व, क्या है? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी आपको पंजाब में मिलेगा। इसके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको पंजाब में मिलेगा। इसके और थोड़ा सा आप दक्षिण में आएंगे तो रोपण वेटलैंड, ये भी आपको मिलेगा पंजाब में। इसके अलावा पश्चिम में नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक हमारा है हरिके वेटलैंड यानी कि हरिके आर्द्रभूमि। तो ये छः आर्द्रभूमियाँ आपको पंजाब में मिलेंगी, केशोपुर मियानी, ब्यास, नांगल, रोपण, हरके और नांगल। यहाँ पर मैंने आपको गलती से नांगल को दो स्थानों पर बता दिया, तो ध्यान रखिएगा ये आपका नांगल नहीं है, ये हमारी है कांजली आर्द्रभूमि। तो नांगल आपको यहाँ पर मिलेगा, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक वेटलैंड है, और यहाँ पर आपको मिलेगी कांजली आर्द्रभूमि जो कि पंजाब की एक वेटलैंड है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा उलर झील जो कि एक वेटलैंड्स है, रामसर स्थल है, होकेरा आर्द्रभूमि। इसके अलावा आपको मिलेगा सुरसर मनसर झील, तो ये भी जम्मू कश्मीर का एक वेटलैंड है। और फिर हम लोग चलते हैं लद्दाख रीजन में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सो मोरेरी या फिर मोरेरी झील। तो सो मोरेरी या फिर मोरेरी झील के नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब ये लद्दाख में स्थित है। तो इस प्रकार से चार आपको मिलेंगे टोटल जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में। उलर झील हो गया, होकेरा वेटलैंड हो गया, सुरसर मनसर झील आपकी हो गई, और आपकी एक हो गई सो मोरेरी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा पोंग बांध झील, यानी कि जो पोंग बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर एक हमारी झील है और यह झील भी रामसर स्थल में शामिल है। इसके अलावा चंद्रा ताल भी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और आपकी है रेणुका झील। तो ये आप देख सकते हैं रेणुका झील को जो कि एक रामसर स्थल है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल तीन है, एक हमारा है पोंग बांध झील, उसके अलावा है चंद्रा ताल, और एक हमारी है रेणुका झील। इसके बाद में अब चलते हैं केरल में। तो केरल में आपको तीन मिलेंगी, बेम्बानद झील है, उसके बाद में हमारी अगली है सस्तम कोटा झील, और एक हमारी और है जिसका नाम है अष्टमुदी झील। तो ये जो आपको मैप में दिखाई दे रही हैं तीनों वेटलैंड्स, ये हमारे केरल राज्य में स्थित है, अष्टमुदी झील, बेम्बानद झील और सस्तम कोटा झील। केरल के बाद में अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपको चिल्का झील मिलेगी, इसके बाद में उड़ीसा में आपको मिलेगा भीतरकनिका मैंग्रोव। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, और यहीं पर मैंग्रोव वन हमारे पाए जाते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये दोनों जो वेटलैंड्स हैं ये हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। तो उड़ीसा में आपको दो रामसर स्थल मिलेंगे, एक हमारी है चिल्का झील और दूसरा हमारा है भीतरकनिका मैंग्रोव। उड़ीसा के बाद में अब चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में दो आपको मिलेंगे, एक तो हमारा है सांभर झील जिसमें नमक की बहुत ही ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, और एक हमारा है जिसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर झील, ये हमारे दोनों रामसर स्थल हैं। इसके अलावा रामसर स्थल होने के साथ साथ ये राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में भी आपको दो मिलेंगे, एक हमारा है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स। तो ये आप देख सकते हैं पूरे कोलकाता शहर की गंदगी यहाँ पर इकट्ठा होती है, तो ये भी एक वेटलैंड्स है। उसके बाद में आपको एक मिल जाएगा सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में आपको दो मिलेंगे, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरवन वन्य जीव बिहार। तो ये भी हमारा एक वेटलैंड्स है। उसके बाद में तमिलनाडु में चलते हैं। तो तमिलनाडु में आपको एकमात्र मिलेगा जिसका नाम है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि कोई वेटलैंड है वह किस राज्य में स्थित है, और किसी राज्य में कौन सा ऐसा स्थान है जो कि एक वेटलैंड्स है। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा, कई सारे हमारे पश्चिम बिहार में वेटलैंड्स हैं, कई सारी हमारी झीलें भी वेटलैंड्स हैं। तो आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा पश्चिम बिहार वेटलैंड्स में आता है, या कौन सी झील वेटलैंड में आती है, या कौन सा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे वेटलैंड्स का दर्जा प्राप्त है। आंध्र प्रदेश राज्य में चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आपको एक मिलेगा जो कि है कोलेरू झील।
तो कोलोरी झील जो है यह हमारा एक रामसर स्थल है। उसके बाद में चलते हैं त्रिपुरा और मणिपुर में। तो त्रिपुरा में आपको मिल जाएगा रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील में ही आपको यहाँ पर नीर महल मिलेगा। नीर महल उत्सव आपने सुना होगा। तो रुद्र सागर झील यह भी हमारा एक वेटलैंड है। और मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लोकटक झील मिलेगी, जहाँ पर कीबुल लामजाओ पार्क है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो लोकटक झील मणिपुर में और रुद्र सागर झील त्रिपुरा में, ये दोनों भी हमारे रामसर स्थल हैं। उसके बाद में चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात में आपको एक मिलेगा नल सरोवर वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड सेंचुरी, यानी कि पक्षी विहार। तो नल सरोवर पक्षी विहार जो गुजरात में है, यह भी हमारा एक रामसर स्थल है। इसके बाद में असम में चलते हैं। तो असम में आपको एक वेटलैंड मिलेगा जिसका नाम है दीपोर बिल। तो ये आप देख सकते हैं दीपोर बिल है, जो कि एक वेटलैंड है। उसके बाद में महाराष्ट्र में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नंदूर मधमेश्वर नाम का एक वेटलैंड है, और ये अभी इसी वर्ष बना है, यानी कि इसी वर्ष इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण वैसे भी हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र का इकलौता है और अभी 2020 में ही इसे एक वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक आपको मिलेगा जिसका नाम है भोजताल। क्या नाम है? भोजताल। और भोजताल जो मध्य प्रदेश में है, वह एक वेटलैंड है। तो इस तरीके से हमारे देश में जितने भी वेटलैंड हैं, उनको हम लोग मैप के माध्यम से डिस्कस किए। और आप लोग कोशिश करिएगा कि जो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया, यानी कि जहां से हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा, उसको आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लें, जिससे आप अच्छे से सभी वेटलैंड के बारे में याद रख सकें। तो हमारी जो कथा थी वह यहाँ पर समाप्त होती है, और अब समय है प्रसाद का, यानी कि अब हम लोग क्विज को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उनमें से कितनी चीज़ों को हमने याद रखा है। तो चलिए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? तो पहले थी 27, 10 इस वर्ष नए आ गए हैं, तो इस प्रकार से इनकी संख्या होगी 37। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रामसर अभिसमय किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, यानी कि कब ये साइन हुआ था? तो साइन ये हुआ था 1971 में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष ये लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1975 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो ये प्रश्न कई बार पहले पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये शहर स्थित है ईरान में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है 2 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन रामसर समझौता साइन किया गया था। फिर हमारा है, इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वेटलैंड किस राज्य में स्थित है और उस राज्य में कौन से स्थल वेटलैंड हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे, ये हमारे उत्तर प्रदेश के सभी पक्षी विहार हैं। तो पार्वती अर्गा वेटलैंड है, जो हमारा समन है, समन पक्षी विहार, ये भी वेटलैंड है। नवाबगंज भी है, लेकिन जो पटना पक्षी विहार है, यह एक रामसर स्थल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर है, इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है? तो रामसर स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? तो भोजताल, ये भी हमारा है। बेम्बानद झील, ये भी हमारा है। केवला देव राष्ट्रीय पार्क, ये भी हमारा है। लेकिन जो आपकी पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, यह एक रामसर स्थल नहीं है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, जो कि रामसर स्थल है, लेकिन पुलिकट झील, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाउंड्री पर है, यह एक रामसर स्थल नहीं है। फिर है, महाराष्ट्र में स्थित एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? तो लोनार झील, जो कि अभी चर्चा में ही थी, इसका पानी जो है वह गुलाबी हो गया था, तो ये तो एक झील है महाराष्ट्र में। करनाला वर्ल्ड सेंचुरी, ये भी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, मयानी भी मिलेगी, और नंदूर मधमेश्वर जो है, ये आपका एक रामसर स्थल है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पंजाब राज्य में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो पंजाब में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुल मिलाकर के अब हो गए हैं 6, पहले थे 3, 3 इस वर्ष नए हो गए, तो इनकी संख्या हो गई है 6। फोकेरा आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो फोकेरा के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह आपको मिल जाएगा कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में आपको मिलेगा फोकेरा आर्द्र भूमि। फिर है, कांजली आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो कांजली
मैंने आपको बताया कि ये हमारा स्थित है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में ये स्थित है। इसके बाद में है चंद्रताल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रताल आर्द्रभूमि ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है चंद्रताल आर्द्रभूमि। अगला हमारा है, इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल नहीं है? तो रामसर स्थल इनमें से कौन सा नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जो हमारी चंद्रताल है हिमाचल में, ये भी है, पोंग बांध झील ये भी रामसर स्थल है, रेणुका झील ये भी रामसर स्थल है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो कैश पक्षी विहार है यह एक रामसर स्थल नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दीपोर बिल रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल एकमात्र रामसर साइट है और ये आपको मिलेगा असम राज्य में। कहाँ पर? असम में ये स्थित है। रुद्रसागर झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो रुद्रसागर झील के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मिलेगी त्रिपुरा राज्य में। फिर है लोकटक झील रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील ये हमारी है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। अगला हमारा है सोमोरेरी रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सोमोरेरी पूछा जाए या फिर आपसे मोरेरी झील के बारे में पूछा जाए तो ये हमारा है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में ये स्थित है। उसके बाद में है सैंडी पक्षी विहार जो कि एक रामसर स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो सैंडी आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो पॉइंट कैलीमेर ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में आपको मिलेगी पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, तो ये है तमिलनाडु में। और आखिरी प्रश्न है भितरकनिका मैंग्रोव जो कि एक रामसर स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में दो आपके हैं, एक है चिल्का लेक और एक है भितरकनिका, तो ये दोनों हैं उड़ीसा में। तो इस वीडियो की जो क्विज है वह भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से भी जाकर के आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी स्टैटिक जीके के अंतर्गत, उसमें हम लोग भारत के सभी मंदिरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।